वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ बहुत अच्छे बात सैयदा अरमला हसन। मैं हमेशा की तरह आज यही उम्मीद करूंगी कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों ने पूछा और बहुत सारी बातें भी हुई, और आज मुझे ये रियलाइज हुआ है कि मैंने भी बहुत इस सब को बहुत ज्यादा मिस किया है, क्योंकि आप इतने टाइम के लिए जब कहीं जाए और उसके बाद आप वापस आए तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस करते हैं। और जितनी उदासी मुझे अपने घर वालों से हो रही थी, उतनी ज़्यादा उदासी मुझे शो से भी हो रही थी, क्योंकि डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा हो गया ये शो करते हुए। और जब आपकी रूटीन में ज़रा सा भी चेंज आए तो आपको एक बहुत बड़ा चेंज फील होता है। मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है बातें भी सुनने को मिली लोगों से, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई बहुत सारे लोग मुझे देखते भी हैं, मुझे फॉलो भी करते हैं और मुझे याद भी कर रहे हैं। तो मैं एक लंबी सी वेकेशन के बाद फाइनली जागो लाहौर को दोबारा ज्वाइन कर चुकी हूँ, और मुझे आज वाकई शो करते हुए मैंने शुरू किया था कि अभी मुझे ना दोबारा से टेम्पो में आने के लिए, अपनी उसमें आने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो अगर मैं कुछ ब्लंडर करूँ, कुछ उल्टा पीछा कर दूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन चूंकि मेरा शो है और डेफिनेटली मुझे उसके लिए बहुत सारी एफर्ट भी करनी पड़ती है। और आज मैं बताऊंगी कि मैं अपनी ट्रेवल और जहाँ टूर पे गई, मैं अमेरिका गई हुई थी और मैंने एक प्रोग्राम के थ्रू वहाँ पर मेरी पार्टिसिपेशन रही, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मैंने वहाँ पर सीखी, बहुत सारे नए लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई, और मैं कुछ पॉजिटिव एनर्जीज के साथ वापस आई हूँ ये मुझे लगता है। और मैं अब उसका वक्तन फवक्तन, चूँकि अब मेरा और आपका साथ रहने वाला है बहुत अरसे तक, अब डेफिनेटली आने वाले दिनों में, तो मैं शेयर करती रहूँगी ये सारी बातें आप लोगों के साथ। कुछ चीज़ें मैं आपको रिलेट भी कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं इंटरेक्शन से अपने कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं मुझे लगेगा कि मैं अगर आप लोगों तक कन्वे करूँगी तो शायद आप लोगों में भी एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आएगी। तो आज का शो हम एज यूजल शुरू करेंगे, और बहुत अच्छे से बात करने लगी हूँ तो थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन भी हो रही है, वो थोड़े ऐसे हो रहा है ना, मतलब वो हो जाता होता है, समझ आए सब लोग। चले नाम इंट्रो के लिए, हमें मुझे आज रिसर्च दी गई थी, कल मैं चूंकि बैठी हुई थी, आई थी मैं कल थोड़ी देर के लिए ऑफिस, तो मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कशन की, तो मैंने कहा भाई मुझे थोड़ी बहुत रिसर्च दे देना ताकि मैं दोबारा से जरा फॉर्म में आने के लिए मुझे टाइम लगेगा। तो जनाब आज की रिसर्च जो होगी वो हमारी कुछ फलों के हवाले से होगी, सब्जियों के हवाले से होंगी, और मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ क्योंकि खड़े होने में मुझे मसला हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो जनाब आज के शो में सबसे पहले तो हम जापानी फल के हवाले से बात करने वाले हैं, जो आपको एक अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये टमाटर है या जापानी फल है, हो जाती है कन्फ्यूजन। आप मुझे समझेंगे मैं थोड़ी अजीब बात करूँ, लेकिन ऐसा होता है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जनाब, ये एक जापानी फल है, और इस जापानी फल के बहुत सारे फायदे हैं जिसको हम अक्सर चीज़ें ऐसी खा रहे होते हैं नॉर्मली अपनी रूटीन में, जिनके हमें फ़वायद नहीं पता होते, कुछ तो हमारे टेस्ट बड्स डिवेलप हो जाते हैं कुछ इसी में, लेकिन इनके फ़वायद भी बहुत सारे हैं। तो जनाब इसके फ़वायद के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि आप इसकी पुडिंग भी बनाते हैं, इन मुख्तलिफ डिशेज़ में इस्तेमाल होता है, जो फ्रूट भी आप इसको कंज्यूम कर लेते हैं। इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप फॉस्फोरस की बात की जाए या कैल्शियम की बात की जाए, और विटामिन ए और सी दोनों इसमें मौजूद होते हैं। विटामिन ए, बी और सी, प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटाशियम, जो इसमें एक बहुत मेजर अमाउंट जो होती है उसकी मौजूद होती है, और सिर्फ इसमें 80 कैलोरीज होती हैं। इस जो इस फल की बात करें, इसमें सिर्फ 80 कैलोरीज होती हैं, और अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। और अगर आपको डिहाइड्रेशन है और आपको लग रहा है कि आप थोड़े पानी की मिकदार आपकी बॉडी में कम हो रही है, तो इसकी भी ये हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। दिल यानी कि हार्ट के जो उसमें हार्ट को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल होता है। एजिंग के साइन जो हैं वो कम हो जाते हैं, आपको एंटी जो कैंसर है कैंसर से बचाव के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इसके अलावा जिन ख़वातीन को, जिन लोगों को स्किन के मसाइल हैं, अगर वो ये जापानी फल जो है कंज्यूम करते हैं तो आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो उस पर आता है, बहुत सारा फ़ायदा होता है। और ये फ्रूट जो है सीजनल फ्रूट है, लेकिन इसको अगर आप कंज्यूम करेंगे तो इसके बेतहाशा फ़वाद भी हैं, और बालों के लिए भी अच्छा है, ये भी बात है। बालों से याद है कि मेरे बाल बड़े ख़राब हो गए हैं अब, और मैं यही सोचती थी कि पानी रास नहीं आया मुझे वहाँ का, यहाँ आकर मेरे बालों में कुछ बेहतरी आई है, मैंने जब कल किया है। तो बालों की सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब बाल सर पे हो तो अब आपको रियलाइज़ होता है। अच्छा जनाब इसके साथ साथ हमने आपके साथ ये जापानी फल के हवाले से रिसर्च शेयर कर ली कि क्या क्या इसके फ़वाद हैं और किस तरह से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं।
लेकिन इसके साथ साथ अब आप बहुत सारे लोगों को याद आएगा, आप लोग स्कूल में अगर जो लोग कभी बंक करते हो या मतलब किसी ने किया हो सकता है किसी ने बंक किया हो सकता है, मैंने नहीं किया वैसे स्कूल। स्कूल में हमारे टाइम पे तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस हुआ करती थी, अब का मुझे पता नहीं कि क्या स्कूल के हालात हैं। वैसे स्ट्रिक्टनेस तो अभी भी उतनी ही होती है बच्चों में, लेकिन चाइना में बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल मिस करने की आदत थी, तो उन्होंने ऐसा यूनिफॉर्म तैयार कर लिया जिसके जरिए जो स्मार्ट यूनिफॉर्म है जिसके जरिए पता लग जाएगा कि बच्चा स्कूल से फरार हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि चाइना में बहुत सारी इस तरह की जो बंक करने की आदत की वजह से वालिदैन और टीचर्स बड़े परेशान थे। तो अब उन्होंने एक ऐसी तरकीब कर ली है उसके लिए कि आप तलबा पर नज़र रख सकते हैं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो अटेंडेंस है उसको यकीनी बना सकते हैं। इस स्मार्ट यूनिफॉर्म का जो तजर्बा है वो जनूबी चीन में किया गया और काफ़ी कामयाब भी रहा। इस स्मार्ट यूनिफॉर्म में जो चिप्स है वो तलबा के रास्ते और उनकी जो स्कूल आने जाने की जो डायरेक्शंस हैं या उनका जो अब जो भी एक तरीका है उस पर उसकी निशानदेही करेगा। अगर यूनिफॉर्म जिस बच्चे ने पहना हुआ है वो स्कूल से फरार हुआ तो उसका ताकुब ना सिर्फ मुमकिन होगा बल्कि आसान भी होगा। और उसके अलावा अगर माहरीन के मुताबिक अगर स्मार्ट यूनिफॉर्म पहनने वाला तालिब इल्म बगैर इजाजत के कमरा जमात से या स्कूल की हदूद से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो जो बिल्डिंग है उसके अंदर अलार्म फिट किए गए हैं वो अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे जिससे पता लग जाएगा कि बच्चा फरार होने की कोशिश करेगा। अब इसमें भी अगर कोई जुगाड़ ना लगा सके उसका भी उन्होंने एक तरीका किया कि इसके अलावा ये जो यूनिफॉर्म में चिप्स होंगी ये बच्चे की शक्ल की भी निशानदेही करेंगी, क्योंकि अक्सर बच्चे बड़े क्लेवर भी होते हैं, वो कहेंगे अच्छा चलो यूनिफॉर्म चेंज करके मैं निकल जाता हूँ कल तुम निकल जाना। उसके लिए भी चीनियों ने तरीका ढूंढा है, वो ये कि वो आपकी जो शक्ल है उसको भी स्कैन कर लेंगे, अगर आप यूनिफॉर्म चेंज करके निकलने की या फरार होने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो लिहाजा अटेंडेंस को यकीनी बनाने के लिए चाइनीज ने बड़ा एक ज़बरदस्त तरीका निकाल लिया है और ये जो तरीका है डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा जनाब, बहुत सारी जो इसके अलावा मैं आपसे रिसर्च एक शेयर करने लगी हूँ वो भी मैं आपके साथ बता दूँ। ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुँचाने का कामयाब तजर्बा किया गया। अब ये वैक्सीन क्या है, ये यूनिसेफ ने ड्रोन के जरिए वैक्सीन की फराहमी का कामयाब तजर्बा किया है। अटलांटिक में वाकया एक जजीरा है जहाँ पर एक बच्चे को आलमी अदारा सेहत की जानिब से वैक्सीन की फराहमी बजरिया ड्रोन की गई है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान माहरीन ने ड्रोन में वैक्सीनेशन का एक डब्बा रखा जिसके बाद उसको पहाड़ी यानी कि हिली एरिया से गुजार कर उसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया गया और बच्चे को वैक्सीन प्रोवाइड की गई। जनाब ये तकरीबन जो है 40 किलोमीटर प्रवास की है इस ड्रोन ने और 15 से 20 मिनट में ये अपने मुकर्रा हद तक पहुंचने में कामयाब हो गया है। ये जो जजीरा जिस आइलैंड की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे 80% ऐसे बच्चे हैं जो अद्वियात से महरूम हैं और यूनिसेफ ने इसका इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि एक चंद मिनट की प्रवास से बहुत सारे बच्चे जो हैं वैक्सीन उनको मिल सकती है और जहाँ क्योंकि जहाँ पर एक्सेस नहीं है उनकी या जो भी, तो ड्रोन के जरिए इसको इसके हवाले से काम किया गया है। तो डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया यूनिसेफ की जानिब से और वैक्सीनेशन के हवाले से। तो जनाब ये तो थी हमारी आज की रिसर्च जो हमने आपके साथ शेयर कर ली और हमने आपको बता भी दिया और मैंने भी अपना हाल अहवाल जो है अब थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम समझ में आ रहा है मुझे टाइम देना है क्योंकि मैं बहुत लंबी ब्रेक के बाद आ रही हूँ। आज सुबह उठने लगी मैं, अपने प्लान था कि आज मैंने सुबह शो करना है तो मेरे उठने में मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं पता नहीं कितनी मुश्किल से उठ रही हूँ, हालांकि मैं इतनी यूज्ड टू हूँ सुबह उठने की और लेकिन स्टिल आज बहुत दिनों बाद उठ रही थी तो आदत में पीछे से मैंने शो को सॉरी बिल्कुल फॉलो नहीं किया। अलबत्ता मुझे मैसेजेस जो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे मैसेजेस आते रहते थे उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, मुझे खुशी भी हो रही थी और जब मुझे यहाँ आने की इवन जब मैं वापस जमैका से वापस आई थी तो मुझे ट्रैवलिंग की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, घर वालों से मिलने की और यहाँ शो दोबारा से करने की मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में एक महीने से पता नहीं क्या चीज़ मिसिंग है जो अब फाइनली पूरी होने वाली है और वाकई मुझे अच्छा फील हो रहा है बिल्कुल ऐसे जैसे नया नया जब जागो लाहौर शुरू हुआ था तो वो नई नई फीलिंग आ रही है मुझे कि मैं एक दोबारा से फ्रेश। अच्छा ब्रेक जो है ना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ट्रैवलिंग जो है आपको एक बहुत अच्छा ब्रेक देती है, ट्रैवलिंग से आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। मैं वही बात करूं कि आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी, मुझे ट्रैवलिंग ने बहुत कुछ सिखाया है और चूंकि ये सारी चीज़ें
वक्तन फवक्तन मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। अच्छा जनाब, आज हम आपके साथ ये भी पैकेज बता देंगे, हमारे पास दो ऐसे पैकेजेस मौजूद हैं आज, परवीन शाकिर और मुनीर नियाजी की बर्सी भी है। तो सबसे पहले मुनीर नियाजी के हवाले से, उनका जो सफर रहा उसके हवाले से एक पैकेज है, आपको वो दिखाते हैं। कुछ ओंजवी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गमा दा तोक विसी, कुछ शहर ते लोक भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शोक विसी। बायक वक्त शायर अदीब और सहाफी मुनीर नियाजी नाम था एक अहद का, जज्बों एहसासात और रोमानवी हकीकतों को लफ्जों में ढालने का हुनर हो या माशर्ती तलखियों को इनकलाबी और एहतजाजी अल्फाज की रूह बख्शने की बात हो, सियासी और समाजी शऊर में मुनीर नियाजी अपने आप में एक मिसाल थे। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी खाक को भी उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं पना हमें जिस जमीन पर, एक हश्र इस जमीन पे उठा देना चाहिए। मुनीर नियाजी 19 अप्रैल 1926 को होशियारपुर पंजाब में पैदा हुए। उर्दू में निस्फ दर्जन शेरी मजमूए शाया हुए। मुनीर नियाजी की शायरी जमालियाती इजहार से इबारत थी। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मुनीर नियाजी 26 दिसंबर 2006 को इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर जिंदगी की बेहतरीन और भरपूर अकासी इस एक शेर से कर गए। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने। जी जनाब, मुनीर नियाजी के हवाले से आपने पैकेज देखा और उनके जो भी हम कहें उनकी खदमात हैं अदब में, वो बिल्कुल उनको फरामोश नहीं किया जा सकता और आज भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। इसके अलावा जनाब, हम बात करें खुशबू की शायरा परवीन शाकिर की, उनकी भी आज बरसी है, उनके हवाले से भी हमारे पास एक पैकेज है। क्या उनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा, जो शायरी में उनका सफ़र रहा, वो सारी बातें जो है वो इस पैकेज में समोई गई हैं, आपको वो पैकेज भी दिखा। फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई। मोहब्बत की खुशबू शेरों में समोने वाली परवीन शाकिर, बहुत छोटी सी उम्र में शेरो शायरी का आगाज किया। परवीन से पहले किसी शायरा ने निस्वानी जज्बात को इतनी नजाकत से बयान नहीं किया। दिलों के बीच और था फैसला हुई उसने, मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया। उनकी पहली ही किताब खुशबू को अवार्ड से नवाजा गया। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। बाद अज़ां उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। उन्होंने अल्फाज और जज्बात को एक अनोखे ताल्लुक में बांधकर सादा अल्फाज में अना, ख्वाहिश और इनकार को शेर का रूप दिया। वक्त से कोई शिकायत है, नाफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से। परवीन शाकिर 26 दिसंबर 1994 को एक ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गई। आज वो मौजूद नहीं, मगर उनकी शायरी खुशबू की तरह हर सू महक रही। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ तो तेरा ख्याल भी। बिल्कुल जनाब, परवीन शाकिर की आज बरसी तो है, लेकिन चूंकि वो अभी पैकेज में भी देख रही है कि निस्मानियत जो है, जो उसके साथ साथ है, उनको जिस अंदाज से वो बयान करती थी, डेफिनेटली उसका कोई सानी नहीं है। और आज भी उनकी जो शायरी है वो दिलों को छू जाती है और उनका नाम जो है हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो कहीं ना कहीं किसी तरह से अपने एक जॉनरा को फॉलो किया करते थे और इनका जॉनरा जो है वो भी बड़ा खूबसूरत रहा और जिस तरह से इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। ब्रेक में लेने लगी हूँ, ब्रेक में आप अपना चाय का मग लें और दोबारा से टीवी के आगे आके बैठ जाएं, क्योंकि हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए जागो लाहौर।